सभी पत्रकार साथियों का, मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के परिवार की ओर से हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, स्वागत करती हूँ कि आप पत्रकार साथी अपना कीमती समय निकालकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं। मुझे खुशी महसूस हो रही है कि राजस्थान के इस अजमेर पुष्कर की पवित्र धरती पर, जहाँ पर पुष्कर का ऐतिहासिक मंदिर है, वही अजमेर की दरगाह भी हमारे बीच में अजमेर शरीफ है। भाईचारे, एकता, प्रेम का इससे बड़ा उदाहरण देश में कहीं नहीं मिल सकता है। दुआएं करती हूँ ये प्यार, ये भाईचारा बना रहे, इसे किसी की नजर ना लगे। मुद्दे पर आती हूँ। आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे साहब ने जयपुर के मुख्यालय से कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया है, जिसका राजस्थान के लोगों को बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि उन्हें मालूम है कांग्रेस का घोषणा पत्र मतलब गारंटी, और वो भाजपा के जुमला पत्र पर भारी पड़ रहा है। घोषणा की गई है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जो पूरे देश में इकलौता राजस्थान है जहां पर 25 लाख रुपया स्वास्थ्य जीवन बीमा के तौर पर मिलता है, इसे बढ़ाकर 50 लाख रुपया प्रति परिवार कर दिया गया है। अब पूरे परिवार को 50 लाख रुपए तक का चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना देश का इकलौता राज्य बन गया है जहां पर मिलेगा। यहां पर किसानों की चिंता की गई है, MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य पर राज्य सरकार कानून लाने जा रही है, ताकि किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिल सके। जितने भी किसान राजस्थान में है, उनका 2 लाख रुपए तक का कर्ज पूरी तरह से सरकार में आते ही माफ कर दिया जाएगा। महिलाओं की बात करें, पूरे देश में गर्व होता है राजस्थान इकलौती सरकार है जो अपने 1 करोड़ से अधिक परिवारों को मात्र 500 रुपए में वो LPG घरेलू सिलेंडर जो देश में 1150-1200 रुपए में बिक रहा है, उसे मात्र 500 रुपए में दे रही थी, घोषणा कर दी है सरकार में आते ही अब वो LPG घरेलू गैस का सिलेंडर 1 करोड़ से अधिक परिवार को मात्र 400 रुपए में मिलने जा रहा है। भाजपा में मोदी जी ने देखा, हमने 500 दे रहे हैं, चुनावी जुमला छोड़ा, हम 450 का देंगे। क्या 1 करोड़ परिवारों को देंगे? नहीं, कितनों को देंगे? जो आपका BPL में आते हैं, उज्ज्वला योजना के तहत आते हैं, उनको देंगे। हमने 400 किया, चुनौती दे रही हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, स्मृति ईरानी जी, पीयूष गोयल जी आ रहे हैं, चुनौती देकर जा रही है, और जनता से भी कहूंगी, अगर ये जुमले नहीं है इनकी घोषणाएं, गुजरात में इनकी डबल इंजन की सरकार, उत्तर प्रदेश में भाजपा की डबल इंजन की सरकार, उत्तराखंड, हरियाणा, गोवा में भाजपा की डबल इंजन की सरकारें हैं, 25 से पहले वहां पर 450 का सिलेंडर देना शुरू कर दीजिए। अगर ऐसा हो जाता है, ये जुमला नहीं होता है, तो लोगों को कहूंगी राजस्थान के भाजपा को वोट कर दीजिएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ये कोरी जुमलेबाजी है। ठीक उसी तरह जिस तरह काला धन और 15 लाख आना था, जिस तरह से 2 करोड़ की नौकरियां आनी थी, और शाह जी ने कह दिया था ये तो जुमला है, चुनाव में ऐसे जुमले होते हैं। अब मैं आती हूँ बेरोजगारों को क्या मिलने वाला है। 10 लाख रोजगार यहाँ पर राजस्थान में सरकार आते ही वो जो है नए रोजगार युवाओं को देने का काम करने वाली है। 5 लाख रुपए तक का जो युवा गाँव में शहरों में है, 5 लाख रुपए बिना ब्याज के, कोई ब्याज नहीं, कोई गारंटी नहीं, युवा है, पढ़ा लिखा है, रोजगार करना चाहता है, 5 लाख रुपए तक का बिना ब्याज ऋण कर्ज सरकार उसे देगी। हम यहाँ पर सरकारी कर्मचारी जो पूरे राजस्थान में है, OPS पुरानी पेंशन योजना जिसके तहत हमने हरियाणा, हिमाचल में सरकार हासिल की, कर्नाटक में जीत कर आए, हम OPS को लागू करते ही जो सरकारी कर्मचारी हैं जो रिटायर होंगे उन्हें OPS पुरानी पेंशन योजना का पूरा लाभ मिलेगा। इस पे भाजपा ने अभी तक देश अपने राज्यों में कोई स्थिति साबित नहीं की, जिसकी वजह से हिमाचल जैसे राज्यों में इन्हें जो है हार का मुंह देखना पड़ा है। आवास योजना, पास अपना खुद का आवास नहीं है, उन्हें आवास के अधिकार के तहत जो है आवास दिया जाएगा, मदद दी जाएगी। ये हमारी 7 गारंटी के अलावा घोषणा पत्र जो 85 पन्नों का है, मैं पत्रकार साथियों से कहूंगी ये विश्वास है, 5 साल के कामों का विश्वास है। पिछले 2018 का घोषणा पत्र चुनौती दूंगी, उठाकर देखिएगा, हमारा दावा है कि पिछले 2018 के घोषणा पत्र में
96-96% कामों को पूरा कर लिया गया है। अब आने वाले 5 सालों में ये जो 7 गारंटी है, इसके साथ साथ हमारा 85 पन्नों का घोषणा पत्र भाजपा के जुमला पत्रों पर भारी पड़ रहा है। मैं दोहरा देती हूँ, 7 गारंटी में परिवार की महिला मुखिया को हर साल 10,000 रुपए आर्थिक मदद मिलेगी। ये आर्थिक मदद राहत है, जो भाजपा को क्या लग रहा है, रेवड़ी लग रहा है। आपने कितना कमाया पेट्रोल डीजल से केंद्र सरकार ने? 30 लाख करोड़ आपकी हमारी डायरेक्ट टैक्स, सीधा पैसा देते हैं पेट्रोल पर, कोई चेक या उधारी नहीं होता है। उसमें से क्या मिला फायदा? 12 लाख करोड़ पूंजीपति मित्रों का माफ हुआ, किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ है। तो ये आर्थिक जो इन्हें रेवड़ी दिखती है, जब किसान को मदद होती है, गरीब मजदूर दलित महिला को मदद होती है, बेरोजगार युवा को मदद होती है, भाजपा को मोदी जी को रेवड़ी लगता है। लेकिन हमारे लिए ये बढ़ती महंगाई बढ़ती बेरोजगारी में राहत है। 10,000 रुपया महिला मुखिया को, गोवंश पालकों को 2 रुपए किलो गोबर खरीदी, सरकार खरीदेगी 2 रुपए किलो पे उनसे गोबर। सरकारी कॉलेज के पहले साल हर विद्यार्थी को, ताकि वो जो अमीर विद्यार्थी है, जो अंग्रेजी पढ़ रहा है, जो लैपटॉप और मोबाइल से चल रहा है, उन बच्चों को, जो गरीब किसान के बच्चे हैं, वो भी बराबरी की शिक्षा प्राप्त कर सके, फ्री लैपटॉप टैबलेट देने का हमारा वायदा है। प्रथम में आते ही ईयर में प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान से पीड़ित परिवार को 15 लाख रुपए फ्री जीवन बीमा, ये जो हमने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा घोषणा किया है 25 को बढ़ाकर 50 लाख, उससे अलग ये 15 लाख है, जो आपदा में, किसी भी तरह की आपदा में, किसी भी तरह का नुकसान में 15 लाख रुपए तक की मदद। हर विद्यार्थी के लिए अंग्रेजी माध्यम शिक्षा गारंटी है, बराबरी की शिक्षा मिलेगी, अमीर और गरीब के फर्क को हम खत्म करेंगे। 500 रुपए सिलेंडर राजस्थान के 1 करोड़ परिवारों को, जो बात हमने गारंटी में की थी, उसे हमने अपने घोषणा पत्र में अब 400 रुपए कर दिया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस योजना, अंतिम और इम्पोर्टेंट जातीय जनगणना। प्रधानमंत्री मोदी जी डर रहे हैं जातीय जनगणना कराने से। इंडिया समूह के तहत बिहार में जातीय जनगणना हो गई, कैबिनेट में पास हो गया और लागू भी हो रही है। हमारी गारंटी है राजस्थान में सरकार बनते ही विधानसभा में जातीय जनगणना करवाई जाएगी, जिसकी जहां जितनी आबादी उसका उतना अधिकार संसाधनों पर होना चाहिए। मध्य प्रदेश के चुनाव हम लोग होकर आ रहे हैं, 50 अधिकारी जो सरकार प्रशासन सरकार चलाती है, 50 में से मात्र 3 ओबीसी अति पिछड़ा समाज से आते हैं। राहुल गांधी जी ने जब पर संसद में सवाल पूछा, 90 बड़े अधिकारियों में मात्र 3 अति पिछड़ा से आते थे। हमें मालूम है ये खाई गहरी है, भेदभाव हो रहा है, संविधान में मिले हकों का हनन हो रहा है। लोकतंत्र को बचाते हुए, संविधान को बचाते हुए जातीय जनगणना राजस्थान कांग्रेस शासित राज्यों से लेकर 24 में पूरे देश में होगी, और जिसका जितना हक अधिकार है वो हम देने का वायदा करते हैं। महिला हूं, मोदी जी को यहां पर आकर महिलाओं की खूब चिंता हो रही है कि महिलाओं की सुरक्षा के मामले में राजस्थान पिछड़ा हुआ है। यहां पर बात की है कि हम सार्वजनिक स्थलों पर, जहां से हमारी बेटी माता बहनें गुजरती हैं, जहां सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा, अपराधियों पर नकेल कसी जाएगी, फास्ट ट्रैक में कोर्ट गठित करके केस चलाकर अंजाम तक पहुंचाएगा राजस्थान। राजस्थान में अपराध नहीं है, मैं ऐसा नहीं कहती, अपराध उत्तर प्रदेश हरियाणा में भी है तो राजस्थान में भी है। पर क्या हो रहा है हरियाणा में? प्रधानमंत्री मोदी जी, राम रहीम को आपने जो बेटियों के बलात्कार में हत्याओं में दोषी करार दिए गए, उम्र कैद है, उसे आपने आज अभी अखबारों की सुर्खियां हैं, 7वीं बार पैरोल पे छोड़ा है। आपको प्रधानमंत्री मोदी जी, महिलाओं के हक सुरक्षा की बात करने का कोई अधिकार नहीं है। आपने वो अधिकार तब भी खो दिया था प्रधानमंत्री जी, जब हमारे देश का नाम रोशन करने वाली डबल इंजन की सरकार हरियाणा से आने वाली साक्षी मलिक न्याय मांग रही थी जंतर मंतर पर, आपने दिल्ली पुलिस पर दबाव बनाया, एफआईआर तक नहीं होने दी बेटियों की। सुप्रीम कोर्ट जाती हैं बेटियां और एफआईआर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद होती है, लेकिन दिल्ली पुलिस पर आज भी अमित शाह जी का दबाव है कि ब्रजभूषण शरण भाजपा के सांसद को बुलाकर गिरफ्तार करके पूछताछ करने की हिम्मत भी नहीं दिखा पा रही है पुलिस। ये अमित शाह जी की दिल्ली में बैठी पुलिस है। कौन है संदीप सिंह? हरियाणा की डबल इंजन की सरकार में मंत्री है संदीप सिंह इस समय,
यौन उत्पीड़न का आरोप है। पीड़िता न्याय मांग रही है, महिला कोच है, लेकिन न्याय के नाम पर पूछताछ भी नहीं है, FIR भी नहीं है। इनका विधायक कुलदीप सिंह सेंगर उन्नाव से आते हैं, कहां है आज, बचाते रहे लेकिन लड़े हम लोग और आज इनका विधायक उन्नाव का कुलदीप सिंह सेंगर दोषी करार दिया गया और सलाखों के पीछे। मैं उन मुद्दों को भी उठा रही जो राजनीति के अंतिम चरण में उठाए जा रहे हैं। मोदी जी नहीं बता रहे कि 25 के 25 सांसद आपने 2014 2019 में दिल्ली में भेजे, आपने भेजे, वो दिल्ली से क्या लेकर आए राजस्थान के लोगों के लिए, ये पूछना चाहते हैं। आज भी मैं देख रही हूं सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, जुमला साबित हो रहा है प्रधानमंत्री जी, 25 के 25 सांसद 19 में केंद्र में भेजे और मंत्री किसे बनाया, यहां से मंत्री बनाया गया आपके जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी को। कहां गई ये परियोजना, कहां गया यहां के लोग, जहां मैं अजमेर में बैठी हूं यहां के लोग आज भी इस परियोजना का इंतजार कर रहे हैं और वो जवाब देते हैं कि ऐसी तो कोई बात कभी हुई नहीं थी। अखबार की सुर्खियां जब प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, मैं तो कांग्रेस की छोटी सी कार्यकर्ता हूं, मुझे कवर करने के लिए कांग्रेस की बात सुनने के लिए इतने पत्रकार आए हैं, तो वो तो प्रधानमंत्री हैं, कब क्या कहा इतिहास में दर्ज है। आप ही की अखबार, आप ही के वीडियो खंगाले कि प्रधानमंत्री जी ने क्या कोई ऐसा वायदा किया था जिससे इन्हीं के जल मंत्री शेखावत जी, जो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ईडी इन्हें नहीं पकड़ती है, इनसे पूछताछ नहीं करती है, ईडी कहां पहुंचती है, हमें मालूम है ये पूरा चुनाव छत्तीसगढ़ का हो या राजस्थान का, मोदी जी अकेले नहीं लड़े हैं। संविधान लोकतंत्र को ताक पर रखकर, ईडी को आगे रखकर आपने ये चुनाव लड़ने का प्रयास किया, लेकिन आप फेल हो गए हैं, क्योंकि यहां पर सरकार नहीं बदल रहे लोग, यहां सरकार नहीं रिवाज बदलने का लोगों ने अब मन बना लिया है। 10 साल केंद्र में अगर आपको दिया मोदी जी, तो राजस्थान में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो 5 साल ईमानदारी से काम हुआ है, आपकी ईडी उन कामों को छुपा नहीं पाई आपके जो छापेमारी के चक्कर में। हमारे प्रदेश अध्यक्ष को आपने बीच चुनाव बिठा लिया घर पर, उम्मीदवारों को हस्ताक्षर करके वो हमारे नॉमिनेशन पेपर उनको देने थे, आप समय बर्बाद कर रहे थे हमारा, क्या हुआ ईडी खाली हाथ गई यहां से, और उल्टा ईडी का अधिकारी, मोदी जी आपकी ईडी का अधिकारी 15 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए राजस्थान में ही धरा गया है। तो लोगों को समझना होगा ये लड़ाई कांग्रेस भाजपा की नहीं है, ये लड़ाई देश के लोकतंत्र, देश के संविधान, देश के संवैधानिक संस्थाओं को बचाने की है, जिसके लिए बचाने के लिए सबसे आगे होकर आज राहुल गांधी जी उदयपुर में है, कल प्रियंका गांधी जी आपके अजमेर में थी, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जयपुर में घोषणा पत्र जारी करके जा रहे हैं, पूरी कांग्रेस अशोक गहलोत जी के कामों पर वोट मांग रही है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ क्या कर रहे हैं आप पूछना चाहते हैं। कब तक धर्म के नाम पर वोट मांगेंगे। कर्नाटक में मैं थी, हमने कहा कर्नाटक की जो भी सद्भावना को, भाईचारे को धर्म के नाम पर उन्माद, हिंसा, दंगे करेगा उस पे हम बैन करेंगे, चाहे वो PIF हो चाहे बजरंग दल हो। खूब मिर्ची लगी, बजरंग दल की तुलना भगवान बजरंग बली से करने लग गए, हनुमान चालीसा शुरू कर दी पूरे कर्नाटक में, कर्नाटक के लोगों ने मुंह तोड़ जवाब दिया और भ्रष्टाचारी बोमई सरकार को मोदी जी के कहने के बाद कि डबल इंजन की सरकार है दोबारा मौका दो, नहीं मौका दिया। हिमाचल देवभूमि है, 99% हिंदू है वहां पर, वहां पर भी इन्होंने कार्ड खेलना चाहा लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा, वहां पर भी कांग्रेस डबल इंजन की सरकार को ओंधे मुंह गिराकर अपनी सरकार बनाकर आई। लास्ट 2018 में भी चुनाव हुआ इन्हीं 5 राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मिजोरम, छत्तीसगढ़ में। 2018 में मोदी जी क्या कह रहे थे, डबल इंजन की सरकार। आज चुनौती देती हूँ मोदी जी, डबल इंजन का डाते हैं डा भी बोलने से, कि अब नहीं कह रहे कि मुझे डबल इंजन दो, मेरी दिल्ली में सरकार है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार में क्या हर्ष हो रहा है, मणिपुर जल रहा है, आदिवासी बेटियों को थाने से घसीट के नग्न करके सामूहिक बलात्कार होता है, और उस मणिपुर में के बगल में लगे मिजोरम में भी चुनाव हुआ, पर पहला चुनाव जहां पर प्रधानमंत्री जी जाने की हिम्मत नहीं दिखा पाए, क्योंकि बगल का मणिपुर 6 महीने से डबल इंजन में जलता रहा और प्रधानमंत्री जी हिम्मत नहीं दिखा पाए वहां जाने की आज तक। आज जब मैं आपसे बात कर रही हूं,
उत्तरकाशी में एक सुरंग में पिछले 8 दिन से हमारे 40 से अधिक मजदूर फंसे हुए हैं। डबल इंजन की सरकार है, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सब किसी को चिंता नहीं क्योंकि चुनावी प्रचार प्रसार प्राथमिकताओं में है। गुजरात का अहमदाबाद का क्रिकेट स्टेडियम में जाकर मैच देखना प्राथमिकताओं पर था। आज वो परिवार प्रधानमंत्री जी से गुहार लगा रहे हैं। आपकी डबल इंजन की सरकार है, लगाइए ताकत, बचाइए उन मजदूरों की जाने जो 8 दिनों से जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं, पर प्रधानमंत्री जी के पास समय नहीं है। इसके बाद वो तेलंगाना जाने की पता नहीं हिम्मत दिखाएंगे, क्योंकि राजस्थान 2 दिन बहुत व्यस्त है, वो अभी समय नहीं है ना मणिपुर जाने का ना उत्तरकाशी में जाने का, लेकिन मैच देखने का समय है। सरदार पटेल स्टेडियम का नाम था, कांग्रेस ने बनाया, क्या किया आपने, देश की धरोहर, देश की विरासतों को पूंजीपति मित्रों के अधीन गिरवी रखने का काम किया, नाम बदलने का काम किया आपने, क्या हुआ, जीता जीता मैच जो हम पूरे विश्व कप में एक मैच नहीं हारा था। यही के लोग पंडित जी के पास गए, पूछा मैच फंस गया है उपाय बताइए, मैच फंस गया है उपाय बताइए। उन्होंने कहा नाम में दोष है, नाम बदल दीजिए, सरदार पटेल नाम कर दीजिए, कृपा हो जाएगी। लेकिन सुना नहीं, कृपा आने में देर हो गई। तो प्रधानमंत्री जी, अडानी के ऊपर भी सवाल आप पूछे, उससे पहले आपके हर सवाल का जवाब दे रही हूँ, क्योंकि चुनाव अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुका है। कहा जाता है राहुल गांधी जी अडानी का विरोध करते हैं, और यहाँ पर अडानी से जो है गहलोत सरकार समझौते कर रही है। हिमाचल का चुनाव हमें किसने जिताया, सेब के किसानों ने जिताया। क्यों जिताया, 30 रुपए किलो पर हिमाचल का सेब का किसान, 30 रुपए किलो पर जो सेब बेचने को मजबूर था, वही सेब पर अडानी अपना स्टिकर लगाकर दिल्ली मुंबई शहरों में 300 रुपए में किलो में बेच रहा था। हमने वायदा किया था सरकार बनते ही अडानी को खाड़ फेंकेंगे और जो लाभ है वो सेब के किसानों को मिलेगा, इसलिए हम हिमाचल जीत कर आए। आज यहाँ पर जो समझौते हैं, क्या अशोक गहलोत जी ने वो समझौते किए हैं, या वसुंधरा राजे जी 5 साल में आपकी यहाँ सरकार थी और दिल्ली में मोदी जी की थी, उनके दबाव में वो समझौते हुए हैं, जिसे हमें 5 साल आपके 5 साल हमें जारी रखना पड़ा है। मैं सिर्फ एक लोगों से उदाहरण कहूंगी, अगर आप मान लीजिए मैं सेब पर रहती हूँ, आप बाजार गए, आपको सेब खरीदने हैं और पूरे बाजार घूमते हैं और एक ही रेड़ी पर सेब मिलता है, क्या विकल्प है, या तो सेब खरीदेंगे या बिना सेब के घर चले जाएंगे। सेम यही हो चुका है कि सारा बाजार, सारी संपत्तियां, एयरपोर्ट, पोर्ट, गुजरात का भुज का मुद्रा पोर्ट, क्या उतर रहा है वहां पर, नशा, अफीम उतर रहा है। देखा अमित शाह जी को जलाते हुए, ढोंग किया था 10 सालों में, क्योंकि घिर गए थे कि अडानी के मुद्रा पोर्ट गुजरात में अफीम और नशा उतर के देश में जा रहा है। कोई FIR, कोई पूछताछ, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, ढोंग हुआ, अफीम जला रहे, उसके बाद नहीं चली। तो सब कुछ आपने गिरवी रख दिया है, अब यही हो रहा है। आप कहेंगे मुंबई एयरपोर्ट आप क्यों जा रहे हैं, आप जा रहे हैं तो आप अडानी के साथ मिले हुए हैं, क्योंकि वो एयरपोर्ट तो अडानी का है, नहीं वो देश का एयरपोर्ट है, ये संपत्तियां देश की हैं, ये पावर प्लांट, कोल प्लांट, ये जितने भी हैं ये देश की संपत्तियां। आप हम आपको यही कह रहे हैं कि यहाँ पर मजबूरी है कि सब कुछ एक रेड़ी एक थाली पर रखकर एक आदमी को दे दिया, जो मजबूरी बन चुकी है, या तो अशोक गहलोत सरकार अपने लोगों को बिजली देगी अडानी से लाकर, या बिजली से वंचित रखेगी और फिर भाजपा से मुद्दा बनाएगी। अभी एक ही विकल्प है, लेकिन आने वाले समय पर हमें पूरा विश्वास है भारत जोड़ो यात्रा मील का पत्थर साबित हो रही है उन राज्यों में जहां जहां से वो गुजरी है, कर्नाटक से गुजरी है, हम वहां पर सरकार बनाकर, हिमाचल में से गुजरी वहां हमने सरकार बनाई, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान में 2018 का परिणाम दोहराने वाले हैं। हम लोगों से अपील करते हैं, राजस्थान की 200 सीटों पर चुनाव है, ध्रुवीकरण मत होने दीजिएगा। मुझे मालूम नहीं मैंने इस बात को रखा या बीच में रह गई कि उदयपुर की बात आई, कन्हैया लाल की बात आई, मोदी जी को बहुत चिंता सता रही है, चुनावी चिंता, चुनावी चिंता है प्रधानमंत्री जी आपकी, कि आपको कन्हैया लाल की याद चुनावों के बीच में आ रही है। परिवार से मिलते ना, हिम्मत दिखाते, वाल्मीकि समाज का एक युवा जिसको मलिंगा आपने भाजपा ने टिकट दिया है, उसने एक वाल्मीकि समाज के युवा पर जो है उस पर हमला किया, उसके घर जाकर
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जाकर मिलते हैं। आप क्या करते हैं, उस मलिंगा को टिकट देकर चुनाव लड़ाते हैं? ये दलित विरोधी चेहरा है, मध्य प्रदेश में पेशाब करते हैं आप दलितों के मुंह पर, आदिवासियों के, और यहाँ पर आप ये करवाते हैं। कन्हैया लाल की चिंता है, क्या हुआ कन्हैया लाल के परिवार के साथ? हत्यारा कौन था? भाजपा के नेताओं के साथ तस्वीरें हमने जानी, हमने पूछा क्या रिश्ता कहलाता है कि कन्हैया लाल के हत्यारे भाजपा के नेताओं के साथ तस्वीरें हैं और वो उसका कार्यकर्ता है, ये हमारा कहना है। क्या हुआ कन्हैया लाल की हत्या के बाद? तुरंत FIR दर्ज होती है, गिरफ्तारियां होती हैं, परिवार को 50 लाख से अधिक रुपए की आर्थिक तुरंत मदद दी जाती है, परिवार के युवाओं को, बेटों को सरकारी नौकरी दी जाती है। मामला निष्पक्षता से बड़े स्तर पर चले, NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो अमित शाह जी आपके अधीन है, साल से मामला तो उसके पास है, क्यों फास्ट ट्रैक में चलाकर कन्हैया लाल के हत्यारे को आपने फांसी नहीं दे दी? पूछना चाहते हैं क्यों बचा रहे हैं, बेल दिया आपने तो रिहा कर से कन्हैया लाल पे सवाल पूछते हैं हम, मांग करते हैं। अभी भी दम हो, चुनावी मुद्दा मत बनाइए, मत बांटिए लोगों को धर्मों के नाम पर, न्याय करिए कन्हैया लाल उसके परिवार के साथ, सूली पर चढ़ा दीजिए फास्ट ट्रैक में NIA अमित शाह जी और मोदी जी, आपसे हमारा निवेदन है। लेकिन प्रधानमंत्री जी अपनी बात नहीं कर रहे कि मैंने 10 साल दिल्ली में बैठा, 25 के 25 सांसद दिए, मैंने बदले में राजस्थान को क्या दिया है? पेट्रोल और डीजल पे कहते हैं 12-13 रुपए अधिक है, चुनौती दे रही हूँ, भोपाल से आई हूँ, आपसे ज्यादा कीमत भोपाल वसूल रहा है, लेकिन सवाल वहां पर नहीं उठता है। नरेंद्र तोमर का बेटा 1000 करोड़ रुपयों की विदेश में अफीम की खेती करके भारत अफीम बेचने का वीडियो जारी हुआ, हाँ कोई जांच हुई ED से? देखिए केंद्रीय मंत्री है नरेंद्र तोमर और नरेंद्र भाई मोदी पीछे खड़े हैं, मजाल है उनके बेटे पर कोई सवाल भी उठ जाए, अफीम की खेती कर रहे हैं और भेज रहे हैं अफीम। सो राजस्थान के लोगों को हाथ जोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से अपील करूंगी, अशोक गहलोत जी की छवि बेहद ही ईमानदार है, नीचे से उठ के कांग्रेस के शीर्ष मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचाया आपने, पारदर्शी ईमानदारी छवि को, चाहकर भी भाजपा एक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा पा रही है। इसीलिए हमें पूरी उम्मीद है अशोक गहलोत जी के, पिछले 5 साल और उसके पहले भी वो 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, ये चौथी बार चौका लगेगा, यहाँ पर सरकार नहीं रिवाज बदलने का मन राजस्थान के लोगों ने बनाया है, इतिहास रचेंगे और अब डबल इंजन की सरकार भाजपा की नहीं कांग्रेस की होगी, देश में भी और यहाँ पे भी नारा वही है, जुड़ेगा भारत 24 में और जीतेगा इंडिया। आप सभी पत्रकार साथियों का परिवार की तरफ से धन्यवाद करती हूँ और एक एक करके, चाहे 1 घंटा लगे चाहे 2 घंटे, जाऊंगी नहीं जब तक आपके एक एक सवाल का जवाब नहीं देती, क्योंकि आपके सवाल आपके नहीं है, राजस्थान की जनता के सवाल रहे। लेकिन उम्मीद करती कि प्रधानमंत्री जी भी 10 सालों में हिम्मत दिखाते, चुनावी मंचों से भाषण देकर ना भागते, आप पत्रकार साथियों से सवाल लेते लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं वो, लेकिन हमारे आपने बात करी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मतलब प्रमोट करने की बात की, चौथी बार मुख्यमंत्री, पायलट का नाम नहीं है क्या मुख्यमंत्री? ये मैं तय करने वाली कोई नहीं होती दिल्ली से, नहीं मैं वही कह रही हूँ, तय कौन करेगा ये मैं कह रही हूँ, मैं तय कौन करे, मैं कांग्रेस की कांग्रेस की सरकार चौथी बार बनेगी, गहलोत जी के 5 साल के कामों पर बनेगी, मुख्यमंत्री कौन होगा ये चुनने का अधिकार राजस्थान के लोगों का है। हमने 25 लाख के अंदर लोगों को इलाज नहीं मिल रहा, प्राइवेट हॉस्पिटलों की बात करें तो इलाज ही नहीं कर रहे, आप 50 लाख की मैन्युफैक्चरिंग में बात लेकर आ रहे, लेकिन 25 लाख को तो पहले इम्प्लीमेंटेशन एक्शन लाए ऐसा कुछ है? बहुत अच्छे, देखिए ये आपका फीडबैक है, आपको मालूम है हमने जब चिरंजीवी 25 लाख घोषणा की कि कुछ निजी अस्पतालों में भी इलाज मिलेगा, प्रदर्शन पे उतर आए थे निजी अस्पताल, है ना, किसने साथ दिया उनका? कोई बात है, लेकिन उसके बाद क्या निजी अस्पतालों के धरना प्रदर्शन के बाद क्या सरकार ने चिरंजीवी योजना वापस लेकर लाभ ले लिया वापस लोगों से? नहीं, उसे चुनौतियों के बाद भी लागू रखा है और हमारी नियत दिखाती है कि हम 25 से 50 लाख तक भी मदद दे सकते हैं और हम देंगे। सारे सवाल आप लेंगे, 1 मिनट से ले लूं फिर आती हूं, 4 सवाल एक एक, ये भी हाथ खड़ा कर रहे हैं पत्रकार साथी दिल्ली से नहीं आई यहीं के, आऊंगी दोबारा आ जाऊंगी, मैंने अभी कहा 1 से 2 घंटे भी बैठूंगी। राजनीतिक पार्टियां सिलेंडर को कब तक 500 रुपए
मोदी जी 450 रुपए, आप फिर 400 रुपए, फिर क्या 300 करने की योजना भी है। हम महंगाई से राहत देने के लिए अपनी बहनों को महंगाई से राहत देने के लिए मुफ्त भी करना होगा, हम करें। आप पूंजीपति मित्रों का कर्ज माफ करते हैं तब रेवड़ी नहीं लगता है। आज मैंने महिला का सिलेंडर 1150 का है, महंगाई है, घर में बेरोजगारी है, राहत दे रही हूँ तो ये रेवड़ी लग रही है, ये राहत है और ये हक है उसका। आप दे दीजिए उसको नौकरी, आप कर दीजिए महंगाई खत्म, वो आपके सामने हाथ मैम। एक सवाल, आपने कहा महिला अत्याचारों की बात कर रहे हैं, आपने यूपी का गिना दिया, आपने मणिपुर गिना दिया, राजस्थान की महिलाओं को क्या मतलब है जब राजस्थान में सुरक्षित नहीं है? कल ही लाडलू के अंदर सामूहिक दुष्कर्म हुआ है, उसको लेकर के सरकार कोई निस्तारण नहीं निकाल रही। आपका जवाब खाली कंपेरिजन है कि भाजपा ऐसा कर रही है, भाजपा ये कर रही है, क्या कोई दूसरी पार्टी है? आप क्या कर रहे हैं महिला अपराध को लेकर के? बहुत अच्छे मेरे भाई, आप राजस्थान के पत्रकार हैं, यहाँ क्या हो रहा है मुझसे फिर मैं कहूंगी बेहतर आप जानते हैं। यहाँ सरकार अपराधियों के साथ नहीं खड़ी दिखी। एक उदाहरण बता दीजिए कि उन्नाव के कठुआ में बलात्कारियों के समर्थन में भाजपा ही निकलते हैं, ब्रजभूषण शरण के समर्थन में निकलते हैं, राम रहीम को पैरोल देते हैं। एक उदाहरण बता दीजिए, राजस्थान की सरकार पीड़ित महिला बेटी के साथ ना खड़ी हो क्या, अपराधियों के साथ खड़ी हो? नाम बता दीजिए, उदाहरण आपसे पूछ रही हूँ, एक नाम बता दीजिए जहाँ पर कांग्रेस का नेता आज की तारीख में शामिल है और कांग्रेस उसको बचा रही हो, दोषी करार दिया गया है, जेल में, बता दीजिए। सो मैं ये कह रही हूँ अपराध राजस्थान में भी है, दिल्ली में भी है, हर जगह। मैं ये नहीं कह रही हूँ तो है ही नहीं अपराध, महिलाएं बेटी चुनौती है हमारे सामने, लेकिन हमारी इच्छा शक्ति है कि बेटियों को सुरक्षित हम बनाएंगे। ये राजपूत, ये जो धरती है ये किसकी धरती है? अगर सेना के जवानों की गिनती करेंगे तो हिमाचल के बाद देश की सरहद पे शहीद होने वाला राजस्थान का आदमी है। वो बेटियां उस राजस्थान में, बेटियां जो भारत माँ की रक्षा कर रहा है उसके अपने राजस्थान में बेटियां सुरक्षित ना हो, ऐसा हो सकता है? आप समझ रहे हैं? लेकिन उस जवान को भी ताकत देने का काम कांग्रेस करेगी। अग्निपथ भर्ती योजना हम रद्द करने जा रहे हैं, हम सेना में पक्की भर्ती करेंगे। शहीद होगा जब हमारा जवान सफेद कफन में नहीं, अग्निपथ में, अग्निपथ में दो हमारे जवान 19 साल के शहीद होकर आए, कफन सफेद था, तिरंगा नसीब नहीं हुआ। ये इतनी छोटी बात नहीं है, काटिए मत इसको, क्योंकि मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करना चाहते। मैम आपने कहा आपके कांग्रेस का कोई लीडर इस तरीके का नहीं है, अजमेर के जो प्रत्याशी है ब्लैकमेल कांड के आरोप में हत्यारण कर रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ तो नहीं, ये सब नारे भाजपा के हैं, आप भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये कांग्रेस की है। ये नारे किसने लगाए? अनुराग ठाकुर घूम रहे, गोली मारो, केंद्रीय मंत्री हो हा? अभी महात्मा गांधी जी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर क्या ट्रेंड कर रहा था? नथुराम गोडसे जिंदाबाद, प्रज्ञा ठाकुर भोपाल में बैठी है, मत बात करिए ये सब। ये राजस्थान की पवित्र धरती है, अजमेर में बैठी हूँ, पत्रकार साथी है, नहीं आप पत्रकार नहीं है तो मत करिए सवाल, मैं पत्रकारों को चेहरे से पहचान जाती हूँ, है ना? ये कोई जनसभा नहीं है, मुझे मालूम है। भाजपा के लोग भी आकर पत्रकार बताते हैं, पर पत्रकार को उन्हें चेहरे से समझ आता है। हाँ, और आपकी तारीफ करूंगी, वसुंधरा राजे सरकार में पत्रकारों की कलम पर तलवार चलाने के लिए कानून आया, काला कानून नहीं आया, आया था या नहीं? सलाम करती हूँ, आप गोदी मीडिया नहीं है, चाहे यहाँ की सरकार हो, दिल्ली की सरकार हो, आपकी कलम तलवार से डरी नहीं, काले कानून से नहीं डरी। 17 में मैंने भी आंदोलन किया था आपके काले कानून के विरोध में, अभी तक जयपुर की जिला अदालत में मेरे खिलाफ कानून है 10 बार पेश हो चुके हैं। मेरा दोष क्या था कि उस काले कानून के खिलाफ जो कलम को रोक रहा था, जो गोदी मीडिया दिल्ली पर चपका पड़ा है, चाहे गहलोत सरकार की कमियां हो, पत्रकार भाई ने गिनवाई है कि कमियां हैं, मैं कब मना कर रही हूँ कि हमें कोई कमी नहीं, भगवान नहीं हम, इंसान है, प्रयास नियत क्या है वो आपको देखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोटा पूरा हो गया, प्लीज डिस्टर्ब मत करिए, आपका अगर हो गया। भाई पूछ रहे हैं पत्रकार साथी, आपको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस की
विकल्प के रूप में लगातार बढ़ रही है। आगे राजस्थान में भी चुनाव लड़ने लगी, दिल्ली में भी, पंजाब में भी, कांग्रेस की जहाँ सरकार रही है वहाँ पे वो ज्यादा निर्भर कर रही है। तो आपको क्या लग रहा है, आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लिए खतरा हो सकती है आने वाले समय में? बिल्कुल भी नहीं। हमारा राजस्थान का चुनाव हो, 2024 का चुनाव हो, सीधा मुकाबला लोकतंत्र संविधान की हत्या करने वाली तानाशाह सरकार किसानों के अधिकारों को कुचलने वाली भारतीय जनता पार्टी से है, जो भारतीय जुमला पार्टी है। किसी से कोई टक्कर नहीं है। आम आदमी पार्टी की अगर यहाँ बात करेंगे, आज ही की अखबारें राजस्थान की भरी हुई हैं, यमुना का पानी, छठ मैया की पूजा में महिलाएं यमुना के जहरीले पानी में खड़ी, आपकी तस्वीरें दिखा रही है, हवाएं जहरीली, विश्व की सबसे जहरीली राजधानी दिल्ली है, ये मॉडल है दोनों का। मोदी जी भी यही है, केजरीवाल जी भी यही आ रहे हैं, दोनों सत्ताधारी दिल्ली के हैं। दिल्ली के हालात आप देख लीजिए, तो कोई मुकाबला नहीं, कोई विकल्प नहीं। भास्कर से हमारे देखिए, आपको ये बात समझना है, एक्साइज कौन लेता है? केंद्र। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सही करिएगा। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज केंद्र लेता है और सरकार क्या लेती है? राज्य सरकार वैट लेती है। जब वो वैट लेती है तो कहाँ कहाँ पे खर्च करती है, और जब आप एक्साइज बढ़ाते हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, तो आप जो एक्साइज से ले रहे हैं वह कहाँ खर्च कर रहे हैं? 16,000 करोड़ के 2 हवाई जहाज प्रधानमंत्री जी ने अपने लिए खरीदे, हाँ या नहीं? 20,000 करोड़ का बना बना पार्लियामेंट, 20,000 करोड़ का एक नया पार्लियामेंट खड़ा कर दिया, हाँ या नहीं बताइए? 12,00,000 करोड़ जो एक्साइज से टैक्स आया, उसमें से 12,00,000 करोड़ पूंजीपति मित्रों का माफ कर देते हैं। सो प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि वो राहत दें राज्यों को। बात सिर्फ राजस्थान नहीं, मैं हरियाणा उत्तर प्रदेश की भी बात करूं। अगर केंद्र सरकार अपनी अपने खजाने को अपने ऊपर कम खर्च करे तो राज्यों को वो मदद मिल सकती है। नहीं, मैं फिर आपको कहती हूँ, बहुत अच्छा सवाल है भास्कर के पत्रकार का, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मोदी जी ने ये बड़ा मुद्दा बनाया कि यहाँ पर 12-13 रुपए अधिक मिल रहा है, हम आएंगे इसकी जांच करेंगे, इसको कम करेंगे। कितना? 12-13 रुपए। और जो सिलेंडर है हर महीने महिलाएं लेती हैं, कितने रुपए अधिक ले रहे हैं? 12-13 रुपए, 500-600 रुपया अधिक ले रहे हैं आप, 1150, उसकी जांच कब करेंगे, है ना? तो राजस्थान सरकार अगर आपकी जेब से ले रही है एक हाथ से, तो आप ही की दूसरी जेब में डाल रही है। पर मोदी जी जो आपसे टैक्स लेते हैं वैट का या जीएसटी का, एक्साइज में सॉरी, जो ले रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? आपकी जेब से निकाल रहे हैं और पूंजीपति मित्र अडानी की जेब में डाल रहे हैं, ये फर्क है। तो मैम वन मोर क्वेश्चन, एज एन ब्यूरो चीफ ऑल इंडिया पेरेस ब्यूरो चीफ जेजे हेल्थ टाइम एंड बीइंग अ कांग्रेस आल्सो, बट व्हाट द एआरसीपी विल डू इन राजस्थान एज मोदी जी हैज अनाउंस the ERCP will going to be held but it's not be held after the election, what do you feel and how is going to take up in the ERCP in Ajmer in Rajasthan, how the effect will be going to the ERCP in Rajasthan? कि 5 साल इनकी यहाँ सरकार थी, 5 साल वहाँ डबल इंजन की, और मोदी जी की खुद की घोषणा आप गवाएं नहीं किया, हमारी सरकार आ गई, क्या इसका विरोध कर रहे थे अशोक गहलोत जी? नहीं कर रहे थे। अशोक गहलोत जी ने बार बार केंद्र से कहा कि अब छोड़ दीजिए भेदभाव, आप वहां बैठे हैं, मैं यहाँ, इसे लागू करिए, तब भी नहीं हुआ। उनकी नियत साफ होगी 10 साल में, जब उनकी हमारी थी नहीं कर। हमसे अगर आप पूछ रहे हैं, मैं विश्वास देकर कह रही हूँ, हमारे लिए ये बड़ा मुद्दा है पानी का। हम यहाँ पर सरकार रिपीट करते ही, दिल्ली में यहाँ 3 दिन है, वहां 3 महीने है, आते ही इसे ईमानदारी से लागू करेंगे, और महिलाओं को, यहाँ के लोगों का जो पीने के पानी का अधिकार है नहरों का, वो हम लागू करेंगे। ये मैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी की सदस्य हूँ, और मेरी जो बात है वो कांग्रेस की बात है, और वो मुझे पता है, ये रिकॉर्ड हो जाएगी सदियों तक, गूगल में ललका लांबा अजमेर में बैठकर क्या बयान दिया था। अगर मैं आऊंगी अगले बार लोकसभा में वोट मांगने के लिए, तो आप मुझसे वापस पूछेंगे। थैंक यू मैम, धन्यवाद। अलग से बात करूंगी। कहाँ पर? महंगाई के खिलाफ काम कर रही है, जबकि सबसे ज्यादा महंगी बिजली राजस्थान। मेरे भाई मेरे कान में अभी बता रहे हैं कि 100 यूनिट तक फ्री है या नहीं,
बता दीजिए आप मैं झूठ बोल रही हूँ, 100 यूनिट एक सेकंड में नहीं है। हाँ नहीं नहीं मैं एक कहीं वो 101 चला जा रहा होगा, नहीं हो रहा होगा, 100 यूनिट बिजली फ्री है और किसानों को 2000 है ना सबका और 2000 यूनिट तक है। आप हमारा 85 पन्नों का घोषणा पत्र जो अभी जारी हुआ है, मैंने नहीं पढ़ा तो उम्मीद नहीं करती आपने भी पढ़ा होगा, क्योंकि मैंने भी नहीं पढ़ा 85 पन्नों का, आप उसे पढ़िए। उसमें महंगाई से राहत देने की बात है, बेरोजगारी की बात है, किसान सबकी बात ईमानदारी से की है। सरकार का खजाना यहाँ के लोगों ने भरा हुआ है, यहाँ का खजाने में कमी नहीं है, नियत नहीं है। पूंजीपति मित्रों की जेब भरना चाहते हैं और हम राहत दे रहे हैं, जिसे रेवड़ी कह रहा है भाजपा। मैम आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आपने अभी क्या